इस सतह पर देखने से ये लगता है कि पीएम मोदी जो अभी लक्षद्वीप गए थे और वहाँ की कुछ जो फोटोजी उन्होंने ट्वीट की आया के मिनिस्टर्स से उसके बाद कोई ये कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ी है लेकिन इसकी हिस्ट्री थोड़ी पुरानी है जिसको हम थोड़ी देर में रिपोर्ट करें अगर ऊपर ऊपर से देखें तो इतना ही इशू सोशल मीडिया पर मोस्टली हाईलाइट किया जा रहा है जबकि फैक्ट कुछ और ही है इंडिया की मॉल्डीव के साथ क्या हिस्ट्री रही है और उसमें चाइना का क्या रोल रहा है चाइना जो है वो मॉलडीव को अपना एलाय बनाने की कॉन्स्टेंटली कोशिश करता रहा है और उसके पीछे का रीजन क्या है सिमिलरली इंडिया भी ऐसा क्यों कर रहा जो है बेसिकली वो मुंबई डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा उससे भी छोटा एरिया है उसके पास लेकिन जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उसकी लोकेशन की वजह से वो बहुत बड़ा है अब यहाँ पर मोमूद अब्दुल गायूद ने इंडिया से हेल्प मांगी और इंडिया ने 1600 सौ पैरा ट्रूपर्स भेज दिए इमीडिएटली और उन्होंने जाके उनकी उस सिचुएशन को सैलवेज किया बचाया दो हजार में जब सुनामी आया तब इंडिया ने मॉल्डीव की न सिर्फ फाइनेंशियल एड की मेडिकल किट्स उनको प्रोवाइड करी एयरलिफ्ट करा के सारे मेडिकल हेल्प जो थी वो वहां तक पहुंचाई गई इंडिया ने दो ए एन एफ हेलीकॉप्टर दिए वहां तक जाके इंडिया ने टाइम एंड अगेन मॉलिव को सपोर्ट किया है लेकिन इसके बावजूद भी आइवोनिकली आज मॉलिव जो है वो चाइना की गोद में बैठा हुआ डी आर आई टू सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजी थी चाइना की स्पिंग वर्ल्ड का थी जिसमें वो इंडिया को चारों तरफ से घिरना चाहता है। इन प्रोजेक्ट्स के चलते चाइना की 1.5 बिलियन की डेट में फाइनली मॉलडीव आया और नतमस्तक हो गया पिछले लगभग 10 दिन से न्यूज में हर जगह मॉलदीव छाया हुआ है आप कोई भी न्यूज चैनल देखें आप कोई भी हेडलाइन उठा लें कोई ना कोई न्यूज मॉलदीव के बारे में जरूर आपको मिलेगी तो मॉल का ये पूरा टॉपिक है क्या किस बारे में है और ये कंट्रोवर्सी आगे कहा जाएगी आज डिस्कस करेंगे द 2.0 पॉडकास्ट पे इस पूरे जो डिस्कशन का एक सार है और कोशिश है वो ये है कि बहुत इजी लैंग्वेज में हम पूरे इस कंट्रोवर्सी को कवर करें और जो इसमें एक ओपिनियन है जो लोगों का वो हम सामने लाएं कि किस तरह से इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को एंड भी किया जा सकता है तो भाई सतह पर देखने से ये लगता है कि पीएम मोदी जो अभी लक्षद्वीप गए थे और वहाँ की कुछ फोटोज थी उन्होंने ट्वीट की तो उसके बाद शायद जो एक बैकलैश आया वहां के मिनिस्टर्स से उसके बाद कोई ये कंट्रोवर्सी बढ़ी है लेकिन इसकी हिस्ट्री थोड़ी पुरानी है जिसको हम थोड़ी देर में रिकॉर्ड करेंगे तो अब इसमें ये है कि जो उनके तीन मिनिस्टर्स हैं जब उन्होंने लक्षद्वीप में मोदी जी की फोटो देखी तो उसके बाद वो इतना ज्यादा मतलब ट्रिगर हो गए कि उन्होंने मतलब बिना सिर पैर के कमेंट्स दिए मतलब एक जो बंदा है वो ये कहता है उनका मिनिस्टर के इंडियंस जो हैं वो जो स्टिंकिंग रूम्स रखते हैं उनके रूम से बदबू आती है तो कैसे आप उस तरह से आप टूरिज्म लक्षद्वीप में प्रमोट कर पाएंगे एक उनकी मिनिस्टर है वो यहाँ तक जाती हैं कहती है कि मोदी जी जो है वो पपिट हैं इसराइल के हाथों के क्लाउन है तो अब ये जब एक इशू जब पता चला आ, मीडिया में तो इतना ज्यादा लोगों को, आ, बुरा इंडियन्स को बुरा लगा इंडियंस को बुरा लगा कि बॉयकॉट मॉलदीव्स का हैश टैग ट्रेंड करने लगा फिर उसके बाद ये हुआ कि मीडिया के प्रेशर में आके मोहम्मद मीजू जो मॉलदीव्स के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बर्खास्त किया उन तीनों मिनिस्टर्स को और लेकिन वहां पर भी ये कॉन्ट्रोवर्सी रुकी नहीं उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे विजिट की चाइना और जिसके बाद एस्केलेट होती ही चली जा रही है ही, 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 ही. अभी वाइल एक आया है, जितनी आर्मी है ही, ही. इंडियन मिलिट्री है वहां पर मॉलदीव में तैनात उसको वो बाहर कर देंगे हाँ नहीं आ, अगर ऊपर ऊपर से देखें तो इतना ही इशू सोशल मीडिया पर मोस्टली हाईलाइट किया जा रहा है जबकि फैक्ट कुछ और ही है तो अगर आप सिर्फ इसकी अपडेट लेने आए थे और आपको नहीं पता था कि क्या चल रहा है तो यहीं आप रोक के वीडियो जा सकते हैं लेकिन अगर आप एक इंटरेस्टिंग और एक रियल इशू को जानना चाहते हैं जो एक्चुअली चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे और हसन इसको हम तीन चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं एक तो हम हिस्ट्री की बात करते हैं इंडिया की मॉल के साथ क्या हिस्ट्री रही है और उसमें चाइना का क्या रोल रहा है उसके बाद जियोपॉलिटिक्स की बात करेंगे कि कैसे चाइना जो है वो मॉलडीव को अपना एलाय बनाने की कॉन्स्टेंटली कोशिश करता आ रहा है और उसके पीछे का रीजन क्या है सिमिलरली इंडिया भी ऐसा क्यों कर रहा है और थर्ड फिर हम उस पर आएंगे कि क्या इसका कंक्लूजन हो सकता है कहाँ पे हम आज खड़े हुए हैं यहाँ से चीजें कैसी हो सकती हैं कहाँ जा सकती हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो अगर हिस्ट्री देखी जाए तो 1978 से लेकर और अगले तीन डेकेड जो थे यानी 2008 तक तो इन तीन डेकेट तक मॉरीशस जो था वो मामून अब्दुल गयूम की डिक्टेटरशिप में चलता था अब डिक्टेटरशिप या तानाशाही तो रही लेकिन इस पूरे काल में इंडिया जो है वो 몰디व्स का एक एलाय बनके रहा एक दोस्त बनके रहा पर ऐसा हुआ क्यों तो 1988 में ऑपरेशन कैप्टस को अंजाम दिया गया जहां पर अब्दुल गयूम जो थे उनका तख्ता पलट होने पे आ गई थी सिचुएशन जो मिलिट्री थी वहां की उन्होंने एक षड्यंत्र रचा जिसके तहत उनका तख्ता ही पलट होने वाला था अब यहाँ पर मोमून अब्दुल गायूम ने इंडिया से हेल्प मांगी और इंडिया ने सो पैरा और उन्होंने जाके उनकी उस को किया, बचाया। अब इससे वो करने लगे और इंडिया की तरफ दोस्ती का एक हाथ बढ़ाया और वहां से एक हिस्ट्री जो है हमारी एक फ्रेंडशिप के रिलेशन की मॉडिव से वो शुरू होती है हाँ तो मतलब 1978 से और 2008 तक वो तीस साल तीन डेकेड इंडिया और मॉलडीव बहुत अच्छे दोस्त थे बिल्कुल थे और इस दौरान कुछ ऐसी नेचुरल कैलामिटीज आई जैसे 2004 में जब सुनामी आया तब इंडिया ने मॉलदीव्स की न सिर्फ फाइनेंशियल एड की मेडिकल किट्स उनको प्रोवाइड करी एयरलिफ्ट करा के सारे मेडिकल हेल्प जो थी वो वहां तक पहुंचाई गई जिससे अगेन फर्दर इंडेटेड मॉलदीव की उस गवर्नमेंट ने फील किया इसके अलावा 2014 में जब एक वाटर क्राइसिस हुई जहां पर उनके किसी एक वाटर प्लांट में आग लग गई वहां पर इंडिया ने अगेन उनको फिर बहुत सारी हेल्प भेजी इनफैक्ट पानी भेजा हजारों टन इंडिया से मॉलडीव अच्छा फिर रिसेंट हमारा जब कोविड आया तो 2020 में 2021 में अगेन बहुत सारी हेल्प जो है वो मेडिकल किट से लेके और कंज्यूमेबल्स जो होते हैं उनसे लेके वैक्सीन सपोर्ट से लेके सब कुछ इंडिया ने फिर मॉलडीवस को सपोर्ट किया इससे प्रभावित होके जी एम जो इंडिया की कंपनी है उनको वहां के एयरपोर्ट डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया इसी बीच में इंडिया ने वहां पर इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बनवाया जो आज भी मले में जो मॉलदीव्स की कैपिटल है सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इस तरह की छोटी बड़ी और हर तरह की जो पॉसिबल हेल्प फाइनेंशियली या अदरवाइज इंडिया कर सका वो उन्होंने करी जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई ने इनको 500 मिलियन डॉलर्स का एक ग्रांट दिया जो कि इनके इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए भी था अच्छा ये तो बात रही सारा फाइनेंशियल और मेडिकल सपोर्ट की या क्राइसिस टाइम पे जब इंडिया ने उन्हें सपोर्ट किया इसके अलावा गिफ्ट्स भी कुछ दिए गए हैं और ये छोटे मोटे गिफ्ट्स नहीं है इंडिया ने दो ए एल एफ हेलीकॉप्टर्स दिए हैं ध्रोव उनको दिए हुए हैं उनके जो बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए इतना ही नहीं इंडिया ने इनको पचहत्तर मिलिट्री मैन भी दिए थे इनकी ट्रेनिंग कराने के लिए आर्मी ट्रेनिंग कराने के लिए और सिक्योरिटी के सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए जो अभी शायद 88 का फिगर सुनने में आ रहा है कि 88 पीपल आर स्टिल अपॉइंटेड देयर अब इंडियन कोस्ट गार्ड की जो सर्विसेज हैं वो भी मॉल को दी जाती हैं सिक्योर करने के लिए उनके बॉर्डर्स को और सर्वेलेंस रखने के लिए अब यार समझ में ये नहीं आता कि इतना सारा सपोर्ट चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो मिलिट्री सपोर्ट हो जिसमें मतलब कंट्रीज की सिक्योरिटी इन्वॉल्व है वहां तक जाके इंडिया ने टाइम एंड अगेन मॉलिव को सपोर्ट किया है लेकिन इसके बावजूद भी आयरोनिकली आज जो है वो चाइना की गोद में बैठा हुआ है हाउ आयरोनिक इज दैट आयरनी तो है अभिषेक लेकिन इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमें इसके अराउंड जो जियो है उसको समझना बहुत जरूरी है मॉलडीव जो है बेसिकली वो मुंबई डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा उससे भी छोटा एरिया है उसके पास लेकिन जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उसकी लोकेशन की वजह से वो बहुत बड़ा है तो एडवांटेज उसके पास ये है बेसिकली कि वो लोकेटेड है इंडियन ओशन के बिल्कुल सेंटर में तो जितने भी गल्फ कंट्रीज से साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जितने भी सी वेल जाते हैं इसी जोन से होते हुए जाते हैं जितने भी इम्पोर्ट हो रहे हैं इनफैक्ट इंडिया के भी नाइनटी परसेंट जो एक्सपोर्ट हैं वो इंडियन ओशन के थ्रू जाते हैं एट्टी परसेंट जो इंडिया का ऑयल आ रहा है वो भी इंडियन ओशन के रूट से आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन बन जाती है इंडिया के लिए भी और क्योंकि इंडिया का ट्रेड डिपेंडेंट है इंडियन ओशन के ऊपर तो चाइना के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बिल्कुल। कि इस इसी रूट पे नजर रखना और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्यादा फिट कर देना जहां से वो कोई एडवांटेज फ्यूचर में ले पाए तो 몰디브 की जो लेंथ है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दैट इज 800 किलोमीटर जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया बनाता है इंडियन ओशन का तो इतना बड़ा जो उनके पास एरिया है उसमें कुछ उनके पास रेयर मेटल्स हैं ही ही। जो और दूसरी कंट्रीज में इतनी इजिली नहीं अवेलेबल हैं और जो कि आने वाली फ्यूचर ग्रीन टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं सोलर पैनल्स हैं विंड टर्बाइंस हैं ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का रोल प्ले करेंगे और जो कंट्रीज हैं वो सारी बढ़ रही हैं जीरो एमिशन की तरफ तो जब वहां पर हम पहुंचते हैं तो ये सारे जो उनके पास रेयर मेटल्स हैं उनकी जो है डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है इसके साथ ही साथ इंडियन ओशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मिलिट्री जोन भी है जहां पर पहले से ही यूके और यूएस का एक बेस बना हुआ है तो इसीलिए चाइना भी जहां पर भी यूएस और यूके का कोई बेस होता है

एक तरह से डेमोक्रेसी का स्वाद इन्होंने पहली बार चखा अब 2008 में पहली बार इनके जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए हैं वो हैं मोहम्मद नशीद अब ये हैं एक एमडीपी पार्टी से और एमडीपी पार्टी के सभी लीडर्स जो हैं वो प्रो इंडिया रहे हैं यानी कि इंडिया के फेवर में रहे यहाँ पर क्या हुआ जो 2004 की क्राइसिस जैसे मैंने तुम्हें बताया सुनामी वाली उसमें मॉलडीव ऑलरेडी इंडेटेड था इंडिया से तो मोहम्मद नशीद के आने के बाद चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा फ्लरिश होने लगी बिटवीन इंडिया एंड मॉल अब इसके बाद क्या होता है कि थोड़े साल के बाद उनके ऊपर करप्शन करप्शन के के चार्जेस चार्जेस लग जाते हैं अब लगने लगने से क्या हुआ इनकी जो सरकार है उस पर सवालिया निशान शुरू हुए और फिर री इलेक्शन का टाइम भी आ गया तो अगले सत्र में जब इलेक्शन हुए तो उसमें जो प्रेसिडेंट चुनकर आए वो थे मोहम्मद वाहिद हसन अब ये जो थे अनफॉर्चुनेटली ये थे प्रो चाइना क्योंकि देखो चाइना के जो एफर्ट्स थे लगातार इनको अपनी तरफ खींचने के तो चल ही रहे थे अब जब ये ऑपोजिशन में थे वहीद हसन चाइना से इनकी पीछे से साठ गांट चल रही होगी और इवेंचुअली जब ये पावर में आए तो इन्होंने सारा जो दारोमदार है वो चाइना के हवाले कर दिया एक तरह से अब चाइना के हवाले कर तो इन्होंने दिया लेकिन इनको मिला क्या रिटर्न में वो इनको मिले 500 मिलियन डॉलर्स की ग्रांट और उसके साथ साथ 150 मिलियन डॉलर का लोन या क्रेडिट लाइन तो 2013 में फिर से जब इलेक्शन हुए तो चुनके जो अब आए प्रेसिडेंट इनके वो ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा चाइना की तरफ झुके हुए प्रो चाइना प्रेसिडेंट अब तक के रहे हैं इनफैक्ट उन्होंने चाइना से सिर्फ हाथी नहीं मिलाया बल्कि दुनिया भर की ट्रीटीज और एंगेजमेंट्स वहां से करना शुरू किए जिससे चाइना की जो पोजिशन थी मॉलडीव के कॉन्टेक्स्ट में एज अपोज टू इंडिया वो और प्रबल हो गई तो अगर तुम देखो तो एक बार प्रो इंडिया प्रेसिडेंट आ रहे हैं उसके बाद प्रो चाइना आ रहे हैं फिर प्रो इंडिया आ रहे हैं फिर प्रो चाइना आ रहे हैं तो एक ही पिंग पोंग का मैच चल रहा था जैसे हाँ वो वो तो चल रहा था लेकिन उसके साथ ही साथ तो मोहम्मद यामीन ने जो चाइना को फेवर किया बेसिकली उसकी वजह से जो मेन इंपैक्ट हुआ और वो हुआ पॉजिटिव इंपैक्ट चाइना के बीआरआई के इनिशिएटिव का बीआरआई बेसिकली वाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने लिया था जिसमें काफी सारी कंट्रीज को वो कनेक्ट कर रहा था।, ही ही ही। वो रहा था कहीं पर वो रोड बना रहा था कहीं पे वो शिपिंग चैनल्स बना रहा था जिसके थ्रू अपना ट्रेड वो और जल्दी से फैला रहा था तो यूरोप एंड टू फार कंट्रीज इसमें उसके लिए एक मिसिंग लिंक था इंडियन ओशन में कोई ऐसा दोस्त कोई ऐसा पार्टनर जो उसे इंडियन ओशन में मिल जाए जो वो एक साउथ का जो एक चैनल है वो भी एक्सप्लोर कर सके तो वहां पर सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर था दैट वाज मॉल और यामीन के आने से मॉलदीव जो है वो प्रो चाइना बन गया और इस इनिशिएटिव में जो एक मिसिंग लिंक था उसको पूरा कर दिया ही ही ही। तो देखो बीआरआई के थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी थी चाइना की दैट वाज स्प्रिंग पर्ल स्ट्रैटेजी जिसमें वो इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता था ही ही। मतलब अगर नेपाल लिए भूटान उधर म्यांमार नीचे श्रीलंका फिर मॉलदीव्स फिर उधर पाकिस्तान तो इन सारी कंट्रीज को किसी ना किसी तरह से मतलब आप इंडिया का अगर मैप देखें तो चारों तरफ से एक जाल जैसा बिछता है उस तरह से वो बिछाने की कोशिश कर रहा था इसको पर्ल नेकलेस हाँ है अभी भी इसको पर्ल नेकलेस कहा जाता हाँ, है पर्ल पर्ल नेकलेस तो इसीलिए वो एक स्ट्रिंग पर्ल स्ट्रैटेजी उसको नाम देते हैं तो अब इसमें इसमें जो बी की स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि वो कंट्रीज को कोई ना कोई फेवर करें वो उन कंट्रीज में एयरपोर्ट्स बनाए या वो पोर्ट्स बनाए या वहां की रोड्स बनाए या उनको वो लोन दें बहुत बड़े बड़े और जैसे ही वो कंट्रीज फेल हो जाती तो उस कंट्री में एक अपना परमानेंट पोर्ट या एयरपोर्ट या कोई भी एक बेस जो था वो चाइना जो है वो बना देता तो ऐसा ही उसने मॉलदीव्स के साथ भी किया उसने मॉलदीव्स का जो माले एयरपोर्ट है उसका रनवे जो था वो पूरा बनाया उसने एक फ्रेंडशिप ब्रिज बनाया मतलब नाम तो फ्रेंडशिप है लेकिन वो पीठ पीछे एक और ही मतलब उसकी स्कीम चल रही थी चाइना और जो कि काफी हद तक पूरी भी हुई क्योंकि इवेंचुअली फिर ये हुआ कि इन प्रोजेक्ट्स के चलते चाइना की वन बिलियन की डेट में वन बिलियन डॉलर की डेट में फाइनली मॉलदीव्स आया और नतमस्तक हो गया तो कौन तो हुआ आज तो हाल है एक्चुअली <laughs> तो अब यामीन मालदीव्स को जितना चाइना के करीब ले जा रहा था उसने स्टार्ट कर दिया था इंडिया आउट कैंपेन मतलब ही। जो इंडियंस हैं जो इंडियन मिलिट्री है वो अब मॉलदीव से आउट हो जाए उस चीज की उसने शुरुआत कर दी थी लेकिन फाइनली उस जिसकी वजह से वो फाइनली नेक्स्ट इलेक्शन लड़ नहीं पाया तो जैसे जैसे मॉलदीव जो था वो चाइना के करीब जा रहा था मोहम्मद यामीन जो थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया इंडिया आउट कैंपेन जिसके अंडर जो मिलिट्री थी और जो भी इक्विपमेंट्स थे वो उसने ये कहा कि इंडिया जो है वो वापस ले जाए और विद्रॉ कर ले कम्पलीटली मालदीव से तो लेकिन ये उसका कैंपेन चल ही रहा था कि इसके बीच में ही करप्शन चार्जेस लगे यामीन पे जिसकी वजह से यामीन इवेंचुअली प्रेसिडेंसी से बाहर हो गया हाँ, वो हारे और इसके बाद फिर से वही पिंग पोंग हुआ क्योंकि यहां से अब जीतते हैं इब्राहिम सोले अब ये फिर से एमडीपी के थे तो प्रो इंडिया हो गए अब समझो इस बात को यामीन जो थे उन्होंने इंडिया के साथ रिलेशनशिप को रप्चर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी इतना ज्यादा रिलेशनशिप खराब होता जा रहा था वो सोले के आने के बाद धीरे धीरे रेजर होने लगी नाउ दैट इज द वर्ड ऑफ द डे रेजरैक्ट तो यानी कि रीबिल्ड होने लगी और इस रीबिल्डिंग के साथ साथ इन्होंने जो इंडिया आउट कैंपेन में बदल दिया अब रूमर ऑल्सो जो इंडिया के मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट थे जो चाइना के इन्फ्लुएंस में यामीन खत्म करना चाहते थे इन्होंने उनको एक्सटेंड कर दिया है अब ये एक रूमर ही है सो इट कैनॉट बी कंफर्मड और डिनाइड लेकिन इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि इन्होंने सारी वो कोशिशें की जिससे कि वो रिलेशनशिप दोबारा सुगम बन जाए और बनाया भी कई हद हाँ तक इसी श्रृंखला में इन्होंने क्या किया कि योगा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया में अब जगह जगह पर योगा चलने लगा तो यामीन की जो पार्टी थी और दूसरे जो ऑपोजिशन प्रो चाइना जो मूवमेंट्स थे उन्होंने योगा को हिंदू एक कॉन्सेप्ट बता के मुस्लिम कंट्री क्योंकि मॉलडीव प्रिडोमेंटली एक मुस्लिम कंट्री है उसके अगेंस्ट कैंपेन शुरू करें तो बढ़ते बढ़ते ये इतना बड़ा कि 2023 के इलेक्शन आते आते अभी डेढ़ दो महीना पहले मोहम्मद मुइजू जो हैं वो फिर से अगेन पावर में आते हैं और ये फिर से प्रो चाइना बन जाते हैं अब यहां पर गाड़ी खड़ी हुई है प्रो चाइना ये बन गए और जहां से हमने ये एपिसोड स्टार्ट किया था यानी कि लक्षद्वीप की जो पिक्स प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डाली है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में तो उन पिक्स को उन्होंने एक बहाना मात्र बनाकर सारी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू कर दी ताकि ये लगे कि ये सिर्फ लक्षद्वीप की वजह से हो रहा है जबकि एक्चुअल हिस्ट्री ये थी अब इसी सब के बीच में एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड लिटरली दो घंटे पहले एक न्यूज आई है जिसमें बता रहे हैं कि अब मोहम्मद मुइजू जो हैं उन्होंने एक अल्टीमेटम जारी कर दिया है इंडिया के लिए कि 15 मार्च से पहले पहले सारे मिलिट्री एसेट्स और जो हमारे लोग वहां पर हैं शायद अट्ठासी लोग हैं उन सबको विड्रॉ कर लिया जाए अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि यहां से गाड़ी कहाँ जाती है क्योंकि हसन चीजें जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो रही है अब अब वापस वही इंडिया आउट वाला मूवमेंट आ गया किसके इन्फ्लुएंस में चाइना के इन्फ्लुएंस में और मोहम्मद मुइजू ने आते ही चाइना के साथ एक मीटिंग करी है तो ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगेन चीजें बैक टू स्क्वायर वन आ गई हैं और चाइना के इन्फ्लुएंस में आके फिर से इंडिया आउट मूवमेंट शुरू हो गया है बाय द वे ये बड़ा एक मुझे मूवमेंट लगता है क्योंकि तुम देखो मॉलदीव्स की जो टूरिज्म है उसमें यह बताया जाता है कि ट्वेंटी फाइव परसेंट जो टूरिस्ट हैं वो इंडियंस हैं तुम इसका मतलब समझ रहे हो मतलब कि रैंडम चार अगर आप कोई टूरिस्ट पकड़ते हैं तो उनमें से एक इंडियन है तो आप सोचिए कि वो मैग्निट्यूड ऑफ द अमाउंट स्पेंट जो है जो इनकी इकोनॉमी में डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंडियंस का कितना है तो उसको तो ये आउट कर नहीं सकते तो इसीलिए ये कहते हैं कि हम इंडियन टूरिज्म को तो ओपन आर्म्स में वेलकम करते हैं लेकिन इंडियन मिलिट्री को हम आउट करना चाहते हैं तो इन दोनों चीजों में हिपोक्रेसी देख रहे हो तुम <laughs> हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है <laughs> तो ये अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन यहां पर बन गई है जो आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है इनफैक्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है हाँ मतलब सही कहा तुमने यार इसको अगर हम समराइज करें एक हुँँ. तरह से पूरा के भी क्या सिचुएशन है और हम कहाँ जा रहे हैं तो ये कह सकते हैं कि ये मालदीव्स जो है दिस इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द इंटायर कॉन्ट्रोवर्सी इट इज इन अ सेंस इंडिया वर्सेस चाइना मतलब इंडिया जो है वो अपनी एक पकड़ जो है मॉलदीव्स में डिप्लोमेटिक एक जो होल्ड है वो बनाए रखना चाहता है उधर चाइना जो है वो उसको एहसास है कि कितना स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट है मॉलदीव्स वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है वहां पर अपना बेस बनाए रखना चाहता है तो मॉलदीव इज बेसिकली द बोन ऑफ कंटेंशन दोनों ही कंट्रीज के लिए और दोनों ही एक तरह से वो देख रहे हैं कि कौन उसमें से एडवांटेज ले जाएगा इट इज चेस बोर्ड like कोई एक कहीं चल रहा है कोई दूसरा कहीं चला और फिर जो जीतता है, सिनारियो में, मतलब, हिस्ट्री है आप उठा के देख एक दो एक्सेप्शन हो तो पता नहीं बट अदरवाइज आप देखिए कोई भी कंट्री कभी भी आपकी परमानेंट एनिमी या परमानेंट फ्रेंड नहीं होती गवर्नमेंट चेंज होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है उनके प्रेफरेंसेज चेंज होते हैं और इसीलिए इसको जियो कहा जाता है क्योंकि आप अलग अलग समय पर अलग अलग गवर्नमेंट्स का होना सीधे -सीधे दिखाता है कि कहीं आपके उतने नहीं भी रहते हैं तो ठीक इसी तरह मॉल को भी एक एनिमी डिक्लेयर कर देना ठीक नहीं है क्योंकि कल इनकी गवर्नमेंट फिर चेंज होगी और फिर प्रो इंडिया गवर्नमेंट आ सकती है नहीं आ सकती नहीं है देखो प्रो इंडिया गवर्नमेंट इनकी आएगी ही. लेकिन आज का ये सवाल है कि अभी मिज़ू का तो एक तरह से जो एक डोमेन है वो स्टार्ट हुआ है पांच साल का ही, ही, ही. और अब आगे कितना यहां से जो रिलेशन है इंडिया मॉलिव का उसमें कितनी खटास आती है आई थिंक इट विल ओनली गेट वर्स विद टाइम और चाइना के वो कितना करीब जाता है जैसे उसने अभी एक डेडलाइन दी है पंद्रह मार्च की पंद्रह मार्च तक क्या होता है किस तरह से पुशबैक होते हैं उसकी क्या एक ऑफिशियल एक प्रोसीजर रहता है वहां से सोल्जर्स और इंडियन जो इक्विपमेंट्स हैं वापस आने का तो रिश्ता जो है वो थोड़ा खराब हो सकता है उसमें खटास हो सकती है एट द सेम टाइम मैं बस यही कह सकता हूँ कि टिल दिन जो इंडियन टूरिस्ट हैं और ये जो सेलिब्रिटीज हैं इंडिया के उन्होंने भी प्रमोट किया है कि लक्षद्वीप को आप एक्सप्लोर करिए लक्षद्वीप से लोगों की ये शिकायत है कि भाई वहां पे इतनी फैसिलिटीज नहीं है इतने अच्छे होटल्स नहीं हैं मॉलदीव जैसे तो भाई जब आप वहाँ पर जाएंगे नहीं तब तक फिर वहाँ का भी इकोनमी उस उस एरिया की कैसे बेहतर हो तो आप सभी लोग जब भी आप सोच रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया कहीं पे जाएं या मॉलदीव मॉरिशस जाएं उसके बजाय लक्षद्वीप एक्सप्लोर करें और जितनी बार जितना ज्यादा टूरिस्ट जाएगा जितना ज्यादा फुटफॉल होगा उतना ही वहाँ के एयरपोर्ट्स वहाँ के होटल्स वहाँ के बीचेस और ज़्यादा सुंदर होंगे विद टाइम तो शायद ये एक मौका है हमारे लिए टू एक्सप्लोर आवर ओन कंट्री एंड टू डेवलप अ साइड कुछ ऐसे आइलैंड्स गोवा तो है हमेशा से रहा एक तरह से सच अ प्राइज्ड पोजीशन हमारी कंट्री के लिए लेकिन ये एक मौका है लक्षद्वीप जैसे आइलैंड को भी डेवलप uh, करने का व्हिच आई थिंक इज 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 ब्यूटीफुल और इसके साथ ही साथ आई थिंक हमें उस एग एंड हैन सिचुएशन से आगे बढ़ जाना चाहिए मुर्गी पहले आएगी या अंडा जहां पर टूरिस्ट वहां पर पहले जाएं इंडियन टूरिस्ट तब वो डेवलप होगा या वो पहले डेवलप हो तब टूरिस्ट वहां पर जाएंगे उससे अच्छा ये है कि जितना क्योंकि मतलब इतना यार खराब नहीं है लक्षदीप बहुत अच्छा है मतलब अब जो फोटोज आ रहे हैं इनफैक्ट पीएम मोदी की विजिट के बाद तो आई एम श्योर वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एज अ होल द होल इको वो बहुत नॉचेज अप जाने वाला है तो अच्छा रहेगा कि लक्षद्वीप पर हम जाए और वहां जाकर अपना पैसा फिलहाल के लिए कम से कम जब तक म्यूजू की गवर्नमेंट चल रही है जितना हो सके वहाँ स्पेंड करें बट अलावा उसके सोशल मीडिया पर जो बहस छिड़ी हुई है मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से एक पैरामीटर सेट कर सकती है गवर्नमेंट्स को रन करने का गवर्नमेंट्स जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस को कंसिडर करके ही रन की जाती है। और जो जो हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में वो सोशल मीडिया पे हुए इमोशनल आउटपर्स्ट से नहीं चलने वाले हैं तो अल्टीमेटली हमें अपने इमोशनल आउटपर्ट को चेक में भी रखना है साथ ही साथ थोड़ा स्ट्रेटेजिकली अपने इंडियन लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भी बढ़ावा देना है अब ये हसन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि म्यूजू के स्टेटमेंट के बाद इमिडिएटली क्या आने वाला है जिसके लिए हम इस कॉन्ट्रोवर्सी को क्लोजली मॉनिटर भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो एक और एपिसोड इसके ऊपर लेकर आएंगे डिपेंडिंग ऑन कि इंडिया का इस पे क्या होता है फॉर नाउ वी होप दैट यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट आप अपने हमसे शेयर करिए अपने व्यूज हमसे शेयर करिए क्या आप वो टूरिस्ट हैं जिनकी मॉलडीव की फ्लाइट बुक थी लेकिन अब आप नहीं जा रहे हैं अगर ऐसा हुआ है तो वो भी हमारे साथ शेयर करिए और बस याद वही रखिए जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि कोई भी कंट्री हमेशा के लिए दोस्त या हमेशा के लिए दुश्मन नहीं हो सकती और हां इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमें रहेगा इंतजार आपकी कॉमेंट्स और एंगेजमेंट का हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टू पॉइंट पॉडकास्ट में अंटिल देन कीप टू पॉइंट 2.0 यू